मितपैट भाई की शादी से किसी को फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, पर पायल दीदी को पूरा फायदा हुआ है, क्योंकि पायल दीदी ने पिछले 11 दिन में 10 वीडियो तो मितपैट के नाम से डाल दी। इन दीदी ने तो मितपैट भाई की शादी के 2 दिन बाद ही तलाक करवा दिया उनका। नौ में जितने दिन ये साथ रहे हैं उतने ही दिनों से इन लोगों ने म्यूचुअल आपस में डिसाइड कर लिया है कि ये दोनों अब अलग हो जाएंगे। यस गाइस, ये दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं, ये दोनों तलाक लेने वाले हैं, और ये बात बिल्कुल 100% सच है। हाँ दीदी, वे दोनों सारी बात आपको ही तो बताते रहे टाइम टू टाइम। मेरी अगर आप राय पूछेंगे तो मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम और देना चाहिए। इतनी जल्दी अभी अभी इनकी शादी हुई और अभी इन्होंने डिवोर्स का, हाँ यार थोड़ा बहुत टाइम तो लेना चाहिए था उनको, नहीं आपको, ये सारी वीडियो बनाने से पहले। वैसे इन दीदी को कोई कुछ भी कहता रहे, इन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन दीदी ने मितपैट की शादी का खाना खाया हो फिर ना खाया हो, पर इन दीदी के घर में मितपैट की शादी की वजह से पनीर जरूर बन जाएगा। और अभी तो इन दीदी ने मितपैट भाई के डिवोर्स की बात की थी, मगर अब तो इन्होंने सीधा मिसिंग ही कर दिया। अरे मैं आप लोग को बता दूं, हमारी पायल दीदी मितपैट भाई की शादी में भी तो गई थी। अरे हाँ, मतलब रोनी भाई के साथ आई वेंट टू मितपैट्स वेडिंग। अगर दीदी गलती से भी आपको इनविटेशन आ जाता तो वहाँ पे आपको कोई अंदर भी जान देता। मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ा दिन है, बिकॉज आज मैं जा रही हूँ अपने एक बहुत अच्छे दोस्त मितपैट की शादी। हाँ कुछ ज्यादा ही अच्छा दोस्त है। पर दीदी आपने 2 महीने पहले मितपैट इज नो मोर वाली वीडियो क्यों बनाई थी यार? पायल दीदी पे कुछ और हत्ते हो या फिर नाचते हो, पर एडिटिंग पूरी भयंकर आवे। ये दीदी हम रोस्टर के लिए किसी हीरे से कम नहीं है, क्योंकि जब कंटेंट की कमी होती है तो सबसे पहले इन दीदी को रोस्ट करने का ख्याल आता है। बाय द वे गाइस, जो भी बंदा वीडियो देख रहा है वो यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, पर यार उसपे थंबनेल नहीं बनाने आते, तो आप हमारी पायल दीदी से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप पर थंबनेल कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। लेकिन वीडियो का रिप्लाई वीडियो से भी तो दिया जा सकता था, मैंने वीडियो बनाई चलो तुम भी वीडियो बना दो, तुम भी मेरे बारे में 4 गंदी बातें बोल दो, हिसाब बना। लॉजिक देख रहे हो मैडम का? इन दीदी ने तो लॉजिक को भी उसी दिन मार दिया था जिस दिन इन्होंने अपना चैनल बनाया। बट यार पायल दीदी कितना भी क्रिंज फैलाते रहे, मुझे उससे क्या, मुझे तो बस रोस्ट बनाना है। इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं तक रख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक और सब्सक्राइब दोनों चीज कर दो, और जब सब्सक्राइब करोगे तो साइड में एक बेल का आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लो, वरना फिर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा आपको अगली वीडियो की। एंड जब ये सारे काम कर दोगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो, उससे बहुत मोटिवेशन मिले हमें। इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।